मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कारगुजारी का नया मामला सामने आने से प्राधिकरण में हड़कंप मच गया है। सामुदायिक केंद्र को लीज दिए जाने के मामले में एमडीबीसी द्वारा की गई जांच में पूर्व में तैनात रहे दो प्राधिकरण उपाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध मिली है, जिसके बाद मुरादाबाद के कमिश्नर द्वारा शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कई साल पहले मंझोला क्षेत्र में बने सामुदायिक केंद्र को लीज पर दिया गया था। लीज पर देने के बाद एजेंसी मालिक ने एमडी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर केंद्र में अवैध निर्माण कराकर उसे होटल में बदल दिया और होटल में बार का लाइसेंस लेकर बार शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, होटल मालिक ने लीज के केंद्र से कई व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित भी करवा रखा था। एमडीबीसी द्वारा शिकायत के बाद की गई जांच में अवैध मिलीभगत के बाद सही मिली, जिसके बाद नोटिस जारी कर 15 दिन में केंद्र वापस लौटाने का आदेश दिया है। एमडी ने जब मामले की जांच की तो पूर्व में तैनात दो वीसी और एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध मिली, जिसके बाद कमिश्नर ने शासन को जांच रिपोर्ट भेजकर सख्त कार्रवाई करने को लिखा है। कमिश्नर के मुताबिक पूर्व में तैनात अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन न किया और नियम विरोध केंद्र में अवैध निर्माण कराया। कमिश्नर की रिपोर्ट भेजने की जानकारी मिलते ही एमडी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एमडी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भेजने के बाद विकास प्राधिकरण के कई और कर्मचारी के खिलाफ जांच की जा रही है। मामला ये है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर मानसरोवर कॉलोनी में बनाया गया था और एमडीए ने उसे बिक्री करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिक्री कामयाब नहीं हो सका। बाद में उसे लीज पे, लीज रेंटल रेट पे किसी एजेंसी को दिया गया और ये पाया गया है बाद में जांच पे कि उस जिस जो जो लीज रेंट जिन्हें दिया गया था, उन्होंने इस लीज रेंट को दूसरे के पक्ष में ट्रांसफ़र कर दिया। इतना ही नहीं, कम्युनिटी जो सेंटर होता है कॉलोनी के अंदर, उसमें कतिपय कार्रवाइयों को, कतिपय कारगुजारियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके विपरीत जो लीज की शर्तें थी, उसके विपरीत जाके वहाँ पे बार का लाइसेंस दिया गया है। वहाँ पे कुछ निर्माण भी हुए हैं जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से थे और इसका व्यावसायिक यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो ये सब कुछ कमियाँ उसमें उजागर हुई हैं और प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इसमें अथॉरिटी के कुछ पूर्ववर्ती अधिकारियों का सक्रिय सहयोग रहा है, तो उनके खिलाफ शासन को लिखा गया है, क्योंकि ये लोग वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का जो अधिकार है शासन में निहित है, तो शासन को से अनुरोध किया गया है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि ये एक नज़ीर बने और ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो। बेसिकली जो लिखा गया है वो तीन अधिकारियों के खिलाफ लिखा गया है, बाकी इंटरनल ऐसे भी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे जिनकी मिलीभगत हो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ स्पष्ट करूँ कि मैंने एमडीए को ताकीद किया है इस मामले में कि सिमिलर परिस्थिति में अवस्थित किसी भी चीज़ में सिमिलर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मानसरोवर वाले केस में जो कार्रवाई हुई है, ऐसे दूसरे मामले हों अगर, तो उनमें भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी सील करने की कार्रवाई हो और उसमें जो संलिप्त अधिकारी हैं जिन्होंने इस बारे में उन्हें छूट दी है या उन्हें मदद की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाए और जो यहाँ पे अभी कार्यरत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये निर्देश मेरे द्वारा जारी कर दिए गए हैं और स्पष्ट शब्दों में जारी किए गए हैं। मैं इसकी समीक्षा भी कर लूँगा 10-15 दिन बाद कि क्या क्या कार्रवाई हुई है।